नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की एक साइकिल C4 साइकिल की। क्या होती है C4 साइकिल, किसे कहते हैं? देखो, C4 साइकिल का मतलब होता है C मतलब कार्बन और 4 मतलब 4। इसमें पहला कंपाउंड 4 कार्बन वाला बनता है। कितने वाला बनता है? 4 कार्बन वाला बनता है। इसमें फर्स्ट कंपाउंड जो होता है, जो फर्स्ट कंपाउंड है वो कितने, पहला यौगिक कितने कार्बन वाला बनता है? 4 कार्बन वाला बनता है, इसीलिए इसे हम C4 साइकिल कहते हैं। पहला यौगिक 4 कार्बन वाला बनता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? C4 साइकिल। अब पहला यौगिक 4 कार्बन वाला कौन सा है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें पहला यौगिक 4 कार्बन वाला बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कौन बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यानी इस शब्द को यदि देखें तो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये कितने कार्बन वाला है? 4 कार्बन वाला है, इसीलिए इसको कहा जाता है C4 साइकिल। अब देखो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है, उसकी यदि हम बात करें कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कैसा होता है, क्या है, तो देखो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अगर देखा जाए तो इस तरह से अपन देख सकते हैं COOH, इसको कहा जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, इसका नाम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और एसिटिक एसिड को यदि अपन देखें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, जनरली क्या होता है, ऐसे लिखते हैं CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। तो इसको, ये दो चीजें हो गई, एक है ऑक्सैलिक एसिड और एक है एसिटिक एसिड। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कैसे जोड़े? ये CH3 है, इसका एक हाइड्रोजन ले लेते हैं और इसका OH ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए, हमने लिया COOH ये वाला, ठीक है, फिर हमने ले लिया एक ए ले लिया COOH ए वाला। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो यदि हम बात करें तो ये है COOH, COOH ऑक्सैलिक एसिड, CH3 COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3 COOH क्या हो गया? एसिटिक एसिड हो गया, ये क्या हो गया? ऑक्सैलिक एसिड। अब यदि हम इसको जोड़ें तो ये क्या है? COOH। ठीक है, COOH। अब यहां पर ले लिया, इसका ले लेंगे H, इसका ले लेंगे OH, ये गया OH और इसका गया H, तो यहां पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां पर हो जाएगा CH2। ठीक है, और COOH। ठीक है, तो यहां पर यदि अपन देखें तो इसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। COOH, CO, CH2, COOH, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये है OAA। ठीक है, इसको कहते हैं COOH, CO, CH2, COOH। ये था ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, COOH, COOH, इसका गया OH, ये था CH3, COOH एसिटिक एसिड, CH3, COOH, ये था, इसका गया H। ठीक है, और इसका गया ऑक्सैलिक एसिड का गया OH, इसका OH और इसका H, तो यहां पर बन गया बॉन्ड। तो CH3, COOH, COOH, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2, COOH, यह है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है, इसको यदि देखा जाए तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये पहला कंपाउंड बनता है, किसमें? 4 कार्बन। यदि हम इसके कार्बन गिने तो देखो, यहां पर यदि हम कार्बन गिनते हैं इसके, तो पहला कार्बन, ठीक है, दूसरा कार्बन, ठीक है, तीसरा कार्बन, ठीक है, चौथा कार्बन, तो COOH, ठीक है, CO, CH2, COOH, इसको बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो C4 साइकिल को C4 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पहला कंपाउंड 4 कार्बन वाला बनता है, इसीलिए इसे C4 साइकिल कहते हैं। C4 साइकिल में पहला कंपाउंड 4 कार्बन वाला कौन है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यदि अपन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को देखें तो देखिए, इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है,
एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो कार्बोक्स, आप सभी जानते हो सी डबल ओ एच को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक सी डबल ओ एच है, एक ए और एक ए, ये दो सी डबल ओ एच ग्रुप है, इसीलिए इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने के कारण ये जो है इस साइकिल को हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ऑक्जलो एसिटिक एसिड बनता है उसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब दो बातें क्लियर हो गई, सी फोर साइकिल किसे कहते हैं समझ में आ गई, सी फोर साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पहला कंपाउंड चार कार्बन वाला बनता है। कौन है चार कार्बन वाला कंपाउंड? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ठीक है, इसमें पहला कंपाउंड क्या है? चार कार्बन वाला है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, इसीलिए इसे सी फोर साइकिल कहते हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में दो कंपाउंड मिले हैं, ऑक्जेलिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड समझ गए, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच ऑक्जेलिक एसिड था और एसिटिक एसिड, ठीक है। अब बात आती है, इसको दो चीजें हो गई, इसको एक तो बोलते हैं सी फोर साइकिल, क्या बोलते हैं? सी फोर साइकिल कहते हैं। दूसरा इसको कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बता दिया मैंने, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो सी फोर साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पहला कंपाउंड चार कार्बन वाला है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा है उसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं? दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं हैच एंड स्लैक साइकिल। क्या कहा जाता है? हैच एंड स्लैक साइकिल, इसको कहा जाता है हैच एंड स्लैक, हैच एंड स्लैक साइकिल कहते हैं। हैच एंड स्लैक साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खोज दो साइंटिस्ट ने की थी, एक थे हैच और एक थे स्लैक। तो इसकी खोज जो है ना, इसकी डिस्कवरी जो है, इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? दो साइंटिस्ट ने की थी, हैच और स्लैक ने, इसीलिए इसको कहा जाता है हैच एंड स्लैक साइकिल। क्या कहा जाता है? हैच एंड स्लैक साइकिल। अब हम बात करते हैं इसकी क्या होता है। यदि हम सी फोर साइकिल, तो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, अगर देखा जाए पहला क्वेश्चन आता है कि सी फोर साइकिल की खोज किसने की? हैच एंड स्लैक साइकिल। सी फोर साइकिल का दूसरा नाम क्या है? हैच एंड स्लैक साइकिल। तीसरा पूछा जाता है सी फोर साइकिल में फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बनता है? तो वो बनता है मेनली ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, किसमें? सी फोर साइकिल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी फोर साइकिल की कहां कैसी क्या होती है। देखो सी फोर साइकिल मेनली अगर देखा जाए तो मोनोकॉट प्लांट में चलती है। मेनली जो सी फोर साइकिल का ऑपरेशन है वो है मोनोकॉट प्लांट में। डाइकॉट प्लांट में जनरली सी फोर साइकिल नहीं चलती, कुछ डाइकॉट में चलती है लेकिन अधिकतर मोनोकॉट में चलती है। तो हम बताते हैं मोनोकॉट, तो हम इसकी लीफ देखेंगे, सबसे पहले इसकी लीफ देखते हैं, किसकी? मोनोकॉट प्लांट की। ये जो मोनोकॉट की लीफ है,
मोनोकॉट की लीफ में ये जो है इसको बोलते हैं अपर इपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? अपर इपिडर्मिस, अपर इपिडर्मिस। इसको बोलते हैं लोअर इपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? लोअर इपिडर्मिस। इसको बोलते हैं अपर इपिडर्मिस, इसको बोलते हैं लोअर इपिडर्मिस। और बीच में जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं मीजोफिल। क्या बोलते हैं? मीजोफिल। ये जो है ये कौन सा टिश्यू है? ये है मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू, ठीक है। मीजोफिल मतलब होता है पर्ण मध्योतक, मतलब पर्ण के जो मध्य में होता है उसको कहा जाता है मीजोफिल। क्या कहा जाता है? मीजोफिल, ठीक है। तो ये मीजोफिल टिश्यू है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये है मीजोफिल, ये है अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस, और ये जो सेल दिख रही है ये सभी सेल कहलाती है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल क्या कहलाती है? मीजोफिल सेल। ये क्या कहलाती है? मीजोफिल सेल, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये है मीजोफिल सेल। ये जो दिख रही है इसको बोलते हैं, ये जो दिख रही है इसको बोलते हैं बंडल सीथ सेल। क्योंकि यहां पर जो होता है, यहां पर मेनली पाया जाता है, यहां अगर देखा जाए तो यहां पर पाया जाता है वैस्कुलर बंडल। ये इसकी वेन्स होती हैं, ये है वैस्कुलर बंडल, ठीक है। और वैस्कुलर बंडल के चारों ओर जो सेल्स होती हैं इनको कहा जाता है बंडल सीथ सेल। क्या कहा जाता है? बंडल सीथ सेल। ये क्या है? बंडल सीथ सेल। तो ये अपर इपिडर्मिस हो गया, ये लोअर इपिडर्मिस हो गया, बीच में जो है मीजोफिल सेल है। मीजो मतलब मध्य, फिल मतलब पत्ती। तो मीजोफिल सेल जो लीफ के मध्य में टिश्यू भरा होता है उसको बोलते हैं मीजोफिल सेल। ये अपर इपिडर्मिस, ये लोअर इपिडर्मिस, ये है मीजोफिल सेल, ये है बंडल। मीजोफिल सेल और बंडल सी सेल में अलग अलग प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होता है। यदि हम मीजोफिल सेल की बात करें तो मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट मैंने कहा ए है, ए मैं बना रहा हूँ। किसका क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूँ? मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूँ। ये मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट है, ये मैं बंडल सीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूँ। मैं अलग से भी बना के बताऊंगा मीजोफिल सेल और बंडल सीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना ऐसे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रेना पाए जाते हैं, ऐसे ग्रेना पाए जाते हैं। बंडल सीट सेल के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नहीं होते, यहां पर सिर्फ स्ट्रोमा पाया जाता है, ऐसा स्ट्रोमा पाया जाता है। तो आपको एक बात और बता दे, एक क्वेश्चन भी आता है कि मीजोफिल सेल और बंडल सीट सेल में कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, मीजोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जनरली उसमें ग्रेना होते हैं। ग्रेना होने के कारण इसमें लाइट रिएक्शंस होती है। क्या होती है? ग्रेना होने के कारण आप सभी जानते हो कि लाइट रिएक्शन ग्रेना में पाई जाती है। कहाँ होती है लाइट रिएक्शन? ग्रेना में होती है। जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो यहाँ पर बंडल सी सेल में होती है, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में होती है। यदि आप कहें तो ये क्या है, देखो ये मीजोफिल सेल है, ये कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल है, ठीक है। अब आप समझ रहे इसमें अपर इपिडर्मिस, लोअर इपिडर्मिस और है मीजोफिल सेल। और मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट अलग टाइप के हैं और बंडल सीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट अलग टाइप के हैं। बंडल सीथ सेल में यहाँ पर पूरे ऐसे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, पूरे ऐसे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अपन इनको पूरा, ये जो है एक इस एनाटॉमी को बोलते हैं क्रांज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? क्रांज एनाटॉमी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्रांज एनाटॉमी? क्रांज एनाटॉमी एक जर्मन वर्ड है और उसका मतलब होता है माला। जर्मन वर्ड जो होता है उसका अर्थ फूलों की माला होता है। तो ये जो है ना एक तरह से माला जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है, या अपन कहें जो इसको कहते हैं हम क्रांज। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्रांज एनाटॉमी किस में पाई जाती है। तो क्रांज एनाटॉमी C4 प्लांट में पाई जाती है, और क्रांज एनाटॉमी जो है वो जनरली बंडल सीथ सेल में होती है, बंडल सीथ सेल के। तो ये क्या है, ये क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि C4 प्लांट में कितने प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो C4 प्लांट में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एक वो क्लोरोप्लास्ट होता है जो मीजोफिल सेल में होता है, एक वो क्लोरोप्लास्ट होता है जो बंडल सीथ सेल में होता है। बंडल सीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट अलग टाइप का होता है और मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट अलग टाइप का होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि C4 प्लांट में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है।
जो मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रेना पाए जाते हैं, और बंडल सी सेल के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना एब्सेंट होते हैं, इसमें ग्रेना नहीं पाए जाते। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। ये C4 प्लांट में जनरली क्या होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखो हम आपको यहां पर बताते हैं, यहां पर मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल यहां बाहर CO2 पड़ी है, क्या पड़ी है? CO2। अब CO2 को लेना है, CO2 कौन लेगा? CO2 सबसे पहले आएगी मेसोफिल सेल में, कहां पे आएगी? मेसोफिल सेल में। CO2 जब मेसोफिल सेल में आई तो मेसोफिल सेल में कौन बैठा है? यहां पर रहता है, इसके क्लोरोप्लास्ट में यहां पर रहता है एक पदार्थ जो CO2 को ग्रहण करता है, जिसको बोलते हैं CO2 एक्सेप्टर, CO2 ग्राही। और वो जो एक्सेप्टर है, जो CO2 का एक्सेप्टर है, CO2 का ग्राही है, वो होता है मेनली PEP। क्या होता है? PEP कौन होता है? PEP। ध्यान रखना, C4 प्लांट में CO2 एक्सेप्टर कौन होता है? सबसे पहले CO2 का एक्सेप्टर कौन करता है, एक्सेप्ट कौन करता है? PEP। और PEP कहां पाया जाता है? PEP पाया जाता है मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। कहां पर होता है? मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में एक एक्सेप्टर है, CO2 का एक्सेप्टर है। CO2 आती है, यहां आई, यहां से आई मेसोफिल सेल में, मेसोफिल सेल में आती है, और मेसोफिल सेल में कौन लेता है इसको? कौन ले लेता है? पीईपी इसको ग्रहण करता है। यहां से आ रही बाहर है, बाहर से आई मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल से आई मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में कौन बैठा है? पीईपी, फॉस्फो इनॉल पाइरूवेट, या फॉस्फो इनॉल पाइरूविक एसिड यहां पर बैठा हुआ है, ये इसको ग्रहण करता है। जैसे ये पीईपी को ग्रहण करता है, कौन? CO2 को ग्रहण करता है कौन? पीईपी। तो पीईपी में होते हैं तीन कार्बन, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट में या फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड में कितने कार्बन पाए जाते हैं? तीन कार्बन पाए जाते हैं। तो तीन कार्बन तो इसके हैं और एक कार्बन CO2 का। तो जैसे ये तीन कार्बन लेता है और एक कार्बन CO2 मिलकर के, तो पहला कंपाउंड जो है वो चार कार्बन वाला बनता है, इसीलिए इसको कहा जाता है C4 साइकिल। ठीक है, अब हम अगले डायग्राम में या अगले चैप्टर में, अगले उसमें वीडियो में हम इसकी और आगे की चीजें लेते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।